please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रेरा का सबसे बड़ा पॉजिटिविटी रेरा की ये है कि इससे लोगों को मतलब ट्रांसपेरेंसी आई है सिस्टम में. जो भी कुछ कस्टमर या इन्वेस्टर देखना चाहता है वो उसको नेट के ऊपर अवेलेबल है. सारी चीज़ें उसको एट ए क्लिक उसको अवेलेबल है. सारी चीज़ें हम लोगों ने उस पर रेरा के कंप्लायंस के हिसाब से डाल रखी है सारी सिस्टम में. तो कोई भी आदमी कभी भी एनी टाइम ही कैन विजिट टू रेरा वेबसाइट एंड ही कैन सी वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स आर देयर. एवरीथिंग इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ डिस्क्लोज्ड. तो कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, जो जो सब इन्वेस्टर और एंड यूज़र के लिए के हित में है. मार्केट को ठीक होने में मैक्सिमम छः महीने से एक साल लगेगा, क्योंकि रेरा से काफ़ी पॉजिटिविटी आई है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, काफ़ी ट्रस्ट आया है. और नाउ बिल्डर्स आर बाउंड टू डेवलप द प्रोजेक्ट इन शेड्यूल टाइम, और होना ही होना है. मतलब इसमें अभी रेरा ने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है जिसकी वजह से बिल्डर कहीं भी प्ले कर सके इन्वेस्टर या एंड यूज़र के साथ में. तो ये सब पॉजिटिविटी तो आनी स्टार्ट हो गई है. अगर आप बाहर पता करें NRI इन्वेस्टर से, NRI यूज़र से, दे आर नाउ वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड उनको काफ़ी ट्रस्ट डेवलप हुआ है. रियल्टी मीडिया की वजह से बाज़ार में, इंडस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि रियल्टी मीडिया काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करके और इन्वेस्टर को एंड यूज़र को बताता है, जिससे लोगों को ट्रस्ट डेवलप हुआ है. और एरा के आने के बाद में रियल्टी मीडिया और भी एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है. रियल्टी मीडिया को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. We'll be right back.